Welcome to Big Buzz. Thank you. Welcome to Hello. Big Buzz. How are you? We are okay. Okay, how are you guys? First of all, ladies, I want to say you guys are looking really, really gorgeous and pretty. Oh, and thank you. All of you, like, thank you for coming. Well, hum to twin kar rahe hain. Twinning. Right? Chaliye, ghar mein to aap logon ne bahut games khele. तो मैंने सोचा बिग बॉस में आप लोगों के साथ भी थोड़े से गेम्स खेल लिए हैं, अरे है ना। मीडिया एंड रिपोर्टर्स आपके सामने बहुत क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं या लेके आ चुके हैं, तो क्या आप तैयार हैं? मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आपको बस उसका जवाब देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्विक रैपिड फायर। क्या आप तैयार हैं? एकदम। पहला सवाल, आप लोगों की बजाय यहाँ पे कौन होना चाहिए? आरती। आरती। आसिम। आसिम। आरती। आरती। घर में सबसे बड़ा यूजलेस कौन है? आरती। आरती। शनाज। शनाज। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला। घर में सबसे एंटरटेनिंग कौन? शहनाज। 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 पारस। पारस। आपका बेस्ट कनेक्शन शेफाली? सिद्धार्थ डे। सिद्धार्थ डे। देवलीना। देवलीना। रश्मि। रश्मि। प्यार का मौसम हो रहा है यहाँ पे, तो चलिए थोड़ी सी बातचीत की जाए। प्लीज आइए। तो देवियों जी, प्रभु, पहले तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है, पर मैं ये जरूर पूछूंगा कि क्या चल रहा है अंदर। ऐसा ही लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और सपने में हूँ मैं। कल जब सपने से उठूँगी फिर से मैं वही अपने जो 3 महीने वाला मैंने अपना घर बनाया था उसी बिस्तर पे उठूँगी और सबके लिए जाकर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ट्विस्टेड वाली फीलिंग है, जिसके साथ मैं कनेक्शन बना रही थी वो भी तो मुझे नहीं समझ पाया। फ्रेंड इन साइड द हाउस, पारस। पारस तो कहीं ना कहीं अगर वो मुझसे उम्मीद करता है तो मुझे भी थी, बट पता था फर्स्ट चॉइस विल बी माहिरा, बट समवेयर आई हैड दैट थिंग इन माइंड कि शायद लास्ट मोमेंट पे पारस की भी तो फीलिंग सेम हो सकती थी ना। तो अभी गलत कनेक्शन लग रहा है? कनेक्शन तो मेरा भाई, मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो ये क्या हो रहा है, ये कैसे कनेक्शन बन रहे हैं इस देश में? दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव। मैं पहली बार घर गई थी और जब सुनने में आया था जी आएंगी और मुझे लग रहा है इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बहस होगी, बिकॉज मेरी लड़कियों से बहुत कम बनती है, बट आई थिंक शी इज द ओनली वन जिससे मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी। थैंक यू। सो दैट कनेक्शन इफ यू टॉक अबाउट, यस आई ओनली हैव इट विद हर एंड अदर पीपल। यस आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशंस फॉर द गेम आई हैड, बट मैं जज भी करती थी उनको। तो किस किस को जज किया रश्मि? मैंने गलत कर दिया ना, तो अब नहीं बोलूंगी। चलो शेफाली और देवोलीना का जजमेंट बता दो। देवोलीना ऑनेस्ट वाला, शेफाली का, शेफाली का तो मुझे ये बहुत लगता था कि ये हर चीज में क्या ये न्यूट्रल कर दो, रद्द कर दो बोलती है रहती है, बट आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है, वन सेकेंड, कहीं ना कहीं मुझे शेफाली सही लगती है, उसकी सोच अपने आप को लेकर, और थिंक मुझे और देवोलीना को ये चीज उसकी अपनानी चाहिए। मैं बताती हूँ घर के अंदर क्या चल रहा है। वैसे ना इसके लिए ना हमें 2 ग्लास की जरूरत होगी, क्योंकि इतने दोगले लोग मेरे साथ में खड़े हैं ना। 2 ग्लास लाए जाए, 2 ग्लास लाए। मतलब कह रहे हैं कि हमारा कनेक्शन स्ट्रांग था तो घर के अंदर बचाते ना, क्या पारस और माहिरा को जिता दिया इतनी आसानी से, उनके हाथ में दे दी पूरी बाजी, माहिरा तो पतली गली से निकल कर बच गई। आप दोनों कनेक्शन जो बना रहे थे स्ट्रांग स्ट्रांग की बातें, दोनों साथ में बाहर आ गए। कनेक्शन बनाने थे तो कनेक्शन समझने भी तो थे, अपना कनेक्शन समझते और बचाते ना वहाँ पर। तो एक लड़के के हिस्से में 2 लड़कियाँ आती है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। डेजी होते तो आपको चूज करते, तो आप ये नहीं बोलती कभी, समझे? अच्छा बोलो आप, क्यूट व्हेन यू स्माइल। नहीं नहीं आप कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, तीनों हम चुप हो जाते हैं। बस में है, बस में बॉस में नहीं है। लेट्स प्ले नाइसली एंड हैप्पीली। या तो मैं ये कह सकता हूँ आफ्टर ऑल दैट आप तीनों की उस गलती का नाम माहिरा है। नहीं, हम उसे गलती नहीं कहेंगे। गलती मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, हमारा एक स्पॉट एक तरीके से छीन लिया, और सलमान जी ने भी आके यही बोला कि वो टॉप 6 में नहीं थी।
के लिए आप यहाँ खड़ी हैं आज। बट आई कैलकुलेशन दैट के कैलकुलेशन सही गलत कभी कभार हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन गलत चला गया। हाँ हमारी, पर इससे हमें, हमने भी कुछ सीखा है, ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक एंड दे मूव ऑन इन लाइफ। ओह वाओ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, यू नेवर नो दैट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन फ्रॉम द अदर साइड। अरे अब तो बाहर आ देना, अब नेवर नो क्या मतलब मारी ली कुल्हाड़ी, बट मुझे कैसे पता चलेगा मैं माहिरा की जगह पे खड़ी हूँ, मैं किसी और के, कोई भी एक ही लड़की माहिरा की जगह पे खड़ी हो सकती है, राइट? वो शेफाली को ना आदत है ऐसे कॉन्स्टेंटली पिंग मारते रहने। माहिरा की वजह से तीनों कैसे खड़े हो सकते भाई, एक हो सकती है। लगता है कि पारस की जगह किसी और को चूज कर लेना चाहिए था, बट अगेन उनके लिए भी पता था सवाल ही पैदा नहीं होता था। एग्जैक्टली, सिद्धार्थ शुक्ला आरती को शेफाली का कहना चाहिए, अलग को पावर क्यों देनी है ना, मतलब अगर पारस नहीं तो फिर आसिम और सिद्धार्थ के साथ भी हम तीनों में से किसी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था, तो उनको भी ना देते और न्यूट्रल कर देते। ये चीज जहाँ सारे टास्क अगर रद्द हो रहे हैं, अगर आप ये कर दोगे और रद्द भी नहीं, आप न्यूट्रल करोगे, टिकट टू फिनाले है, तो एक तरीके से तो रास्ता आपका खुला रहता। I always stood by her saying that कि she's not wrong, what she's thinking is completely right, पर मुझे ऐसे लगता है लाइफ में रिस्क लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपको नहीं पता चलता। टास्क करते टाइम आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती है। मैंने एक चीज बहुत अच्छी मुझ में बदलाव आया है कि मैं बहुत दया का महासागर हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, सबके लिए नहीं, जो मुझे जानते हैं। अगर 10 लोग आपके सर पे चढ़ जाए एंड एवरीवन हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, एवरीवन हैज, then you have to choose for yourself and then you have to decide what will be the pros and cons. So ye sari situations mein kaise deal karna itne kam short time ke andar, I have never been through such, mere liye bahut badi baat thi. Daya ki baat aayi thi thodi si, to Shefali thoda sa, we saw the smirk. Actually we didn't see the smirk, we saw her smiling. To kya bata, kya kehna chahiye, why? Mujhe seriously samajh mein nahi aata. Daya ka mujhe sirf ek hi samajh mein aata hai ki darwaza todo. Aur yaar tumne seriously delivery girl, agar aapke paas do mauke the, aapne wahi jaakar apna khodna hi tha apni kismat ka bhanda, to galti kar di maine. Lekin chalo theek hai, agar aapne dosti dikhayi, aapne dikhayi, lekin bahut alag alag jagah hoti hai jahan pe apni dosti aap dikha sakte ho. Jab aap task khel rahe ho to mujhe lagta hai ki आप उस स्पिरिट में टास्क खेलो कि आप अपना फायदा पहले सोचो फिर किसी और का। दैट आई एग्री कंप्लीटली विद हर, एंड ये तो मैं टास्क के दौरान भी बोल रही थी, जब तुमने मुझे पारस ने बोला शी सेल्फिश, माहिरा बोलती है सिर्फ खुदगर्ज है, इनके भी कहीं ना कहीं, मेरी भी सेम थॉट है, बट कहीं ना कहीं आई ऑलवेज सेड दैट शी इज नॉट रॉन्ग एट हर साइड एंड इवन शी इज सेल्फिश। गेम में बुरी बात तो नहीं है जी, अगर आपको ट्रॉफी उठाने की अगर आप तमन्ना रखते हो तो फिर आपको सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा। कहीं कहीं जगह पे तुम ही भड़क रही थी उस वर्ड पे, मैं कह रही थी वो वर्ड पॉजिटिवली लो, पॉजिटिवली लो, बुरी बात नहीं मिला मुझे इससे इस बारे में। तो देवियों आरती के बारे में ताकि उसको यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मतलब आरती की तो आरती उतार लेनी चाहिए कि हम यहाँ तीन खड़े हैं और वो अंदर बैठी है, मतलब ये तो कमाल, भगवान का आशीर्वाद भगवान ने, और ये तो सीरियसली आई अग्री आसिम या आरती मेरे हिसाब से दोनों में से एक को होना चाहिए था मेरे बदले, पर आई ऑलवेज यूज टू फील आसिम बिकॉज मैंने उसे कुछ इतना ग्रेट करते हुए अपने खुद के इंडिविजुअल डिसीजंस को लेते हुए नहीं देखा, ये किसी और के बोलने पे कदम ध्यान रख के चलता और फिर बाद में उसे अपना दिखाता है और वो होकर नहीं कोई और बन के खेलता है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है ग्रुप में उनके, आई मीन लाइक उनके टीम में कौन ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा करता है, आई थिंक वो ही होता है। क्या होता है ना, आसिम कोई गलती भी करे ना तो एक सिद्धार्थ शुक्ला नाम के प्राणी है अंदर, वो ही तो वो नहीं है, वही वही है, वो है, वो सिद्धार्थ शुक्ला नाम के सपोर्ट में उतर आता है। तो आसिम का हमेशा से यही रहा है कि वो इन्फ्लुएंस में रहता है, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है, लेकिन ज्यादातर वो सिद्धार्थ शुक्ला दोस्ती निभाता है, दोस्ती निभाता है, या फिर ये कहोगे कि इन्फ्लुएंस में रहता है। तो आसिम का शुरू से ही अभी तक हमें पूरे एक महीने में दिखाई दिया है कि आसिम इज लाइक मेरी बातों को सीरियसली, शुक्र है शुक्ला है, शुक्र है कि शुक्ला है, क्या लाइन दी है, क्या लाइन दी। अच्छा देवो, आपके हिसाब से आरती होनी चाहिए जी, कहना चाहेंगे जरा विस्तार में बताइए। मैं आरती को, अगर हम 9 लोग हैं उसमें, उस जर्नी में, उस जगह में आरती को नहीं देखती, क्योंकि पहले हफ्ते जैसे वो खुद एक्सेप्ट करती है कि बहुत शांत हो गई थी, सो जब ये ओपन अप होने लगी
तो होता ना कि रेलगाड़ी चल रही है एंड स्टेशन क्रॉस करते जा रहे हैं और वो स्टॉप उनको नहीं पता चलता कि कहाँ पे अननेसेसरी स्टॉप्स लेने चाहिए, कहाँ अननेसेसरी स्टॉप्स नहीं लेने चाहिए. तो वो कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक रिपीट करते 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 पूरी दिन निकाल सकते. सेकेंड चीज़, मैंने आरती को ये बोला भी था कि पूरे घर पे अगर कोई मैसी लड़की है जिन्हें रहने का ढंग नहीं है, दैट इज़ आरती. हमारे बिग बॉस के घर में एक आवाज़ जोर से आती थी, बर्तन किसकी ड्यूटी है, उसकी खुद की थी. और वो हर टाइम उसी मुद्दे पे इतना लड़, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया. आरती हैज़ अ हैबिट कान लगाने की. आरती विल कम एंड आरती विल वॉक एंड आरती विल वॉक विद दिस थिंग. I always used to wonder, I said like, she's my friend, I've never seen her doing such thing and why is she doing here? And then later I got to know that ke, this is how she see, analyze and understand and half of the time she's in her own thought. देवलीना ने बोला ना मैसी है. हाँ, बहुत ज्यादा मैसी थी. उसके जूते, पर्सनल बिलोंगिंग इधर उधर, खाने का प्लेट वहीं कहीं भी कुछ भी उठा कर रख देती है और भूल जाती है. फिर 5-6 दिन बाद उसे ध्यान आता और कहती है, हाँ मैंने रख दिया, मैंने कहा था. और उसके साथ साथ जैसे वो अपनी, मुझे लगता है वो अपना दिमाग भी छोड़ देती है. थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा मैसी है कि पहले हफ्ते की बात वो चौथे हफ्ते में बोलती है और वो भी कोई कनेक्शन नहीं होता उस बात का, तो जाके वो उस बात को बोलती है. कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, लेकिन दीवार हर जगह होती है. ऐसे लगता है कि आरती भी हर जगह होती है. वो पता नहीं कहाँ से बातें सुन के कहीं पर भी डालती है. नहीं नहीं नहीं, आई थिंक मैंने फिर बोला नहीं. अब मैंने देवोलीना को देखा है कान लगाते हुए. शेफाली कभी ऐसी ऐसी, दीज थिंग्स आर वेरी, ये थोड़ी छोटी चीज़ें हो जाती है. छोटी चीज से बात करते हैं, शेफाली पे वापस आते हैं. आपने बोला कि शुक्ला के बिना आसिम नहीं, आरती भी नहीं. चलिए आरती भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शुक्ला के बिना रश्मि भी नहीं. हाँ, आप ये भी कह सकते हो क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में जब भी बोलते हैं वो इतना बड़ा बन जाता है और बहुत भारी सामने आया कि यहाँ से सिर्फ शुक्ला के बारे में बातें हो रही हैं और उधर उनके ग्रुप में भी इधर से रश्मि के बारे में बातें हो रही. सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बोल दो रश्मि के आगे, तो रश्मि बड़े मजे से रिएक्ट करे. और सिद्धार्थ शुक्ला के सामने रश्मि किया तो बुराई कर दो या अच्छा ही कर दो, वो लेटे लेटे ऐसे रिएक्शन देते हैं. ओके, बट आई मस्ट से रश्मि की तारीफ कर दो तो ये रिएक्शन जैसे लग रहे थे, है ना? प्यार नहीं है यहाँ पर, टकरार है. अगर आपको उन लोगों को रिप्लाई देना रश्मि जो कह रहे हैं कि शुक्ला की वजह से रश्मि गेम में थी, तो वो क्या आप देती? यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू गिव रिप्लाई टू देम? कहने वाले तो है कहते. चलिए आपकी कनेक्शन से पूछते हैं, देवो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती. मे बी रश्मि के वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिल जाता होगा, बट आई डोंट थिंक सो उनमें ऐसी कोई भी क्वालिटी है जिसके वजह से हमारे तरफ से उनको कोई इंपॉर्टेंस मिले, कुछ भी नहीं. आई एम श्योर ये अभी हंस रही है. सबसे पहला झगड़ा घर में इन्हीं का हुआ था. अपने माइंड में बहुत खेलती खबरी है ना, आदतें होती. खबरी, शेफाली खबरी. जब हम सबके बारे में बात कर ही रहे हैं तो शहनाज को कैसे भूल सकते हैं, तो बताइए एक एक करके. शहनाज एंटरटेनर है घर की जी, और करती है एंटरटेन, लेकिन कभी कभी ना वो थोड़ा स्टूपिड भी हो जाता है. मतलब अगर आप पूछोगे 11x7 क्या होता है, उसको वो नहीं पता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो इतना हावी हो जाती है वहाँ पर, वो फिर फुल शाणी बन जाती है. तो एक, अगर आप बच्चे हो, आपका दिमाग अगर बच्चों वाला है और आप मस्ती करते हो वहां तक समझ में आता है, लेकिन फिर आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो. फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी शी इज नॉट इनोसेंट एट ऑल. अकॉर्डिंग टू मी शी इज एंटरटेनर. अकॉर्डिंग टू मी शी इज वेरी शातर ऑल्सो व्हेन शी वॉन्ट्स टू बी. अकॉर्डिंग टू मी शी इज वेरी 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 स्मार्ट प्लेयर. वेरी 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 स्मार्ट प्लेयर. एक और वेरी लगा दे. वो कहते ना येड़ा बन के पेड़ा खाना. येड़ा बन के खाना, तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगी इस पेड़े के बारे में? पूरे घर पे अगर मैं किसी को नहीं समझ पाई 13 कंटेस्टेंट्स में से, वो है शहनाज. हर बात जरूरी नहीं है, आप लोग एक घंटा देखते हो मे बी आपको वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट लगता है, बट हमें जब वो 24 घंटा झेलना पड़ता है तो वो बहुत बार इरिटेटिंग भी लगती है अंदर. सो
इंसान कहता है अगर सिंपल लाइनों में बोलो देन डेफिनेटली या फिर काम एड़ा बन के पेड़ा खाना शी हैज दैट क्वालिटी एंड मे बी झेलने की शक्ति सब में नहीं हो पाती स्पेशली मेरे अंदर उसे 24 घंटे झेलने की शक्ति नहीं है तो पूरा परिवार टूट चुका है आपका तो अभी पारस और माहिरा क्या क्या करेंगे आप लोगों के बिना आप मतलब अब जो करना करेंगे हम भी देखना चाहते हैं वो हमारे बगैर क्या करेंगे बिकॉज गेम तो थी ना भाई अगर हम नहीं जा पाए एटलीस्ट हमारा कोई जब जाएगा तो हम भी देखेंगे क्या गेम खेलते हैं और वो पारस उनके साथ कितना खरा उतरता है हम भी देखते हैं बट पारस इज स्मार्ट पारस विल मैनेज इट ही इज वेरी स्मार्ट ही इज वेरी क्लेवर बट दैट इज द रीजन आई सेड नो कितना खरा उतरता है मायरा भी साथ में है और अभी वाइल्ड कार्ड भी आई है और इसमें मैंने सुना है हिमांशी करके कोई एक्ट्रेस है वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग एंड स्मार्ट अपेरेंटली जो उनका पहले का कनेक्शन था उसका कोई आ रहा है तो अब पता नहीं है सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू नो दैट मेरा एक कनेक्शन अंदर गया है जो थोड़ा पहले आ जाता तो एटलीस्ट हम इंटरनेशनल कनेक्शन अंदर गए हम बाहर आ गए थोड़ा जरा इस बात पे बोझ डाला जाए तो ये कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अरे वाह जब मैं जा रही थी शो के लिए अपने घर की शुरुआत घर से निकली थी शुरुआत करते मैं थोड़ा घूम घूम के गई थी क्योंकि आई वॉन्टेड टू मीट फ्यू पीपल एंड देन कहते हैं ना आप जाते हो तो ब्लेसिंग्स लेकर जाओ तो माँ ही वॉज द लास्ट पर्सन आई मेट बाय द टाइम आई हैपन टू स्पीक टू अरहान तो इट्स लाइक बात हो रही है आई एम नॉट श्योर बिकॉज बहुत सारी जो न्यूज और डिस्टर्बेंस आ रहे थे आई एम श्योर ही इज क्वाइट मैच्योर्ड इनफ एंड जितना मैं उसको जानती हूँ समझती हूँ मुझे बहुत स्मार्ट लगता है वो अब वो अंदर घर के अंदर कैसे करेगा वो मुझे नहीं पता बट जहाँ दोस्ती थी सेंसिटिव टॉपिक्स को लेके भी बहुत सारी बातें हुई है और उसने मुझे उन चीजों को अलग नजरिया दिखाया है एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी जाने की क्योंकि अगर कम समय में अगर आपका किसी के साथ बॉन्ड बन जाता है जैसे कि मेरा और देवोलीना का है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जब आज तब हाना हाना कर रहा था अगर पता होता तो मैं आज वहां घर में होती तो मैं अगर आगे जीत सकती थी ना शेफाली पहले सही आपका किससे कनेक्शन बनाया आपने अंदर मेरा अंदर सिद्धार्थ डे के साथ अच्छा कनेक्शन था हमारा कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पे होता था हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और गेम में एक दूसरे के साथ खेलते थे इन द सेंस एक दूसरे के लिए खेलते थे और अब बताओ इस कनेक्शन को तुम क्या कहोगे प्यार दोस्ती है अब आपके साथ भाई बहन के साथ प्यार प्यार है यार दोस्ती हम नहीं जाने देंगे अभी हम नहीं जाने आंखों में आंखें डाल के देखो तुम्हें क्या दिखता है दिस इज अ फेवरेट डायलॉग ऑफ डे प्यार दोस्ती है लक्ष्मी और दोस्ती मेरे लिए सब दोस्ती है प्रिय अंक आपको मतलब पता है प्रिय अंक का जी मैं बताऊं बोलो डियर हस्बैंड अब मैं जाऊं बट ये सच है जो मैंने अभी मतलब बताया अपने नाम का तो जब मैं अपने सीजन में था ना 11वें सीजन में घर का खाना बहुत मिस करता था आई एम सो श्योर आप लोगों ने भी किया होगा तो मैं अपने घर से लाया हूँ गर्मा गर्म दाल चावल के डब्बे स्वाद अनुसार पानी आ गया जी पानी आ गया मतलब पानी आ गया और कोई भी मील एक्चुअली इंडिया का पनीर के बिना इज नॉट कम्प्लीट तो अभी स्विगी से मंगवाते हैं पनीर टिक्के तो अभी मैं जस्ट स्विगी से गर्मा गर्म पनीर टिक्के मंगवाता हूँ इट्स ऑन द वे एंड और ये कर दिया ऑर्डर स्विगी डिलीवरी इज ऑन द वे और पैकअप के बाद हम लोग खाएंगे परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दाल चावल एंड पनीर टिक्के समझे मेरे बेटे तो खाना वाना तो अब जरा नई गेम खेली जाए इस गेम का नाम है कभी हाँ तो कभी ना क्या आप लोग रेडी हैं देवी हूँ जी प्रभु एक्सपर्ट हो गए बिग बॉस जी प्रभु बिल्कुल जी मैं आप लोगों को और आपको बताना है कि whether you did it or not. Simple. So you guys ready? First statement. मैंने कभी बिग बॉस के घर में किसी का चेला बनके नहीं खेला. शेफाली से शुरू. नहीं. बिल्कुल नहीं. मैं बिग बॉस की शपथ खाके कहती हूँ कभी नहीं. अरे. अगलेश. सीजन भाई बचा लेंगे अगले साल हमें सीजन बचाना पड़ जाएगा. मैंने घर में किसी की झूठी तारीफ नहीं करी. की है. किसकी? बहुत मतलब मैंने ख्याल से सबकी की होगी झूठी तारीफें. इनमें से किसी की है?
हाँ, किसकी की है ये जानना चाहती है जनता, इधर देखो, इधर इधर इधर, रश्मि की। आपने क्या कभी की है किसी की झूठी? हाँ की है, मस्ती वाले वे में। किसकी? ऐसे मैंने शहनाज को बोले थे, शहनाज के साथ मस्ती वे में हो जाता था, तो पर वो भी मुझे सुना देती थी सामने से। हाँ जी, नहीं देवो देवी, झूठी तारीफ मेरे से होगा ही नहीं, वो मेरे लिए बहुत ऑफेंसिव है मैं किसी की झूठी तारीफ करूं। बट हाँ, मतलब कुछ अलग बोलना हो तो बात अलग है, पर तारीफ दूसरे की कीजिए, ऑफेंड मैं हो जाती हूँ। तारीफ करना मेरे लिए थोड़ा ऐसा हो जाता है, मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर सकती। अगर मैं तारीफ भी कर रही हूँ किसी की, देन द पर्सन यू नो वो उसको अर्न करना पड़ेगा वो तारीफ, ऐसे ही नहीं करती मैं, नहीं करती। हम तारीफ तो लेके ही जाएंगे। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। मैंने कभी किसी लड़के को घर में चेकआउट नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। ये शो तो अगले साल मैंने किया। हाँ जी, मैंने किया। किसको? किसको? वो पारस एकदम अलग अलग कपड़े पहन के आते थे, चेकआउट करती थी उसको। गुड चेकआउट, बैड चेकआउट? नो, काइंड ऑफ फनी चेकआउट एट टाइम्स, बट समटाइम्स गुड चेकआउट आल्सो, बिकॉज़ ही ड्रेसेस अप वेरी डिफरेंट एंड इन अ वेरी यूनिक वे घर में जितने हैं उससे। सो यस, आई यूज टू चेक आउट एंड आई ऑलवेज यूज टू वेट, वो रात में जो जर्सीज पहनते थे अपनी, वो दैट वाज समथिंग वेरी यूनिक ही यूज टू वेयर, सो सम आई यूज टू लाइक, सम आई यूज टू स्पीक टू हिम एंड मेक फन ऑफ इट। आसिम को कभी चेक आउट नहीं किया? मैंने आसिम से बेटर देखे हैं। बच्चा उसने जिस हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर रखा है, आई एम श्योर यू नो दिस बेटर, इट इज नॉट वेरी इजी टू मेंटेन इवन आफ्टर स्टेइंग इन दिस बिग बॉस हाउस, सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यस दैट वे। वो बहुत मोटिवेट करता था, बिकॉज मुझे भी, मैं भी वर्कआउट करती थी। वी कांट टेक दैट अवे ऑब्वियसली। या हां जी, देवो देवी जी क्या कहना चाहेंगे आप? नॉट अ गुड वे, बट या ऑफ कोर्स मुझे मजा आता है लोगों को ऐसे ताड़ते रहना ताकि वो कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड मुझे सिद्धार्थ शो को कॉन्शियस करने में बहुत मजा आता था। उनको पता चलता मैं उनको देखती रहती हूँ, तो एक बार उन्होंने बोल भी दिया था, क्या देखती रहती है ऐसे, और मैं तभी भी देखती रहती थी। मतलब फुल ताड़न ताड़ी चली है भाई, फुल ताड़न ताड़ी चली है, फुल ताड़न ताड़ी, क्या चल रहा है भाई? हाँ, मैंने एक लड़की को चेकआउट किया था, एक प्रियांक शर्मा घर में आया था, फिर से बोलिए सर, प्रियांक शर्मा घर में आया था एक चास खिलाने के लिए, मैंने उन्हें खूब चेकआउट किया। सुन रहे हैं आप? किसको किसको? ऐसे आए थे, मेरा बस जीने ना दे, जीने ना दे, मेरा बस मुझे जीने ना दे। बिग बॉस, बिग बस को होस्ट कर रहे हैं तो बस पे तो नाचना पड़ता ही है भाई, इतना तो मेरा थैंक यू। तो देवियों, बातें बहुत हुई, पर एक लास्ट क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि आप तीनों इस घर के बाद, इस शो के बाद क्या मिलेंगी आपस में, या मिलना चाहेंगी? हम दोनों तो जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली आई एम गोना मीट हर फॉर श्योर, जरूर मिलेंगे। हां, और इनके घर का एड्रेस भी चेंज हो रहा है, का क्या मतलब, खबरी है ना, तो इनसे वीडियो कॉल तो डेफिनेटली होंगे, सारे कर करके शेफाली, फिर पता चलेगा, अरे रुको मैं क्राइम के जगह शेफाली का दोस्त मैं बन जाऊंगा, मतलब हम चिल करेंगे बॉम्बे में, रह के हमारी मुलाकात, ग्रीन ड्राइव पे बैठेंगे। ओ या, छोड़ छोरी को कैसा लग रहा है? और दिल्ली यार, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली में भी बैठेंगे, मगर इंडिया गेट पे बैठते हैं। हां ठीक है, नहीं चाहिए। ऑल राइट लेडी, इट वाज अ ग्रेट ग्रेट कन्वर्सेशंस विद यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग टू बिग बज एंड जलवा दिखाने के लिए अपना तीनों का, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लाइफ एंड नमस्ते।